गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक और एक अपडेट देने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था, लेकिन उसका जो एंट्री पॉइंट है वो एक बार टच होकर फिर से स्टॉक नीचे गिर गया था। अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है स्टॉक में एंटर करने के लिए। जब ये स्टॉक मैंने बताया तब भी मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करता था, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करता था, तब सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था। अगर आप लोग चाहते हो तो जाके देख सकते हो, स्टॉक का नेम है इज़्मो करके, तो इंस्टाग्राम में आप लोग प्रोफाइल में जाके देख सकते हो। ये स्टॉक मैंने बहुत पहले ही अपडेट दे दिया था आप लोगों को। ये एक मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है। आज अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 65% माल लोग CNC में घर लेके गए हैं। उसके साथ साथ अगर 1 ईयर का रिटर्न के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 400% रिटर्न देके जा रही है, टू बी एग्जैक्ट 397% रिटर्न देके एक साल में ये कंपनी जा रही है। अगर कोई अच्छे प्राइस में इसे एंट्री करता था तो एटलीस्ट उसे 350% तो गेन होता ही, छोड़ दो 300% तो एटलीस्ट उसका गेन होता ही, एटलीस्ट 400% मतलब 100% छोड़ दिया मैंने। और ये एक बेहतरीन स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, क्यों वो मैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। ये परफेक्ट चार्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, फंडामेंटली ये बेस्ट होना हो लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है ये चार्ट। परफेक्ट जिसे परफेक्ट बोलते हैं वो है ये चार्ट। बिगिनर भी ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर पाएगा, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म होता है, हर बार सेम पैटर्न फॉर्म होता है, सेम पैटर्न होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट तक जाती है, वो भी एकदम सर्टेन है कि 10 या 20 रुपये तक ही जाएगी उस ब्रेकआउट पॉइंट से, उसके बाद फिर से ये एक टाइम जोन में कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगी। चलिए एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का क्या निकल के आता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक का नेम है इज़्मो लिमिटेड, ये 1D का NSE का चार्ट खुला हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक अभी 87 या 88 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रही है। आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 3.66% डाउन था। अगर कल के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कल ऑलमोस्ट ये कंपनी अपर सर्किट टच किया था, एक दिन में अपर सर्किट टच किया था, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस लेके ये कंपनी नीचे गिर रही है। ये स्टॉक अभी भी मेरा जो एंट्री पॉइंट था स्टॉक में वो अराउंड 92.5 रुपीज़ के प्लस था। अगर डेली बेसिस में इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो 92.5 रुपीज़ के लेवल्स में, अगर डेली बेसिस में क्लोज होता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो 92.5 रुपीज़ के लेवल्स में। लेकिन बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि मैंने बोला 92.5, ये तो 92.5 क्या 95 तक गया है, लेकिन डेली बेसिस ये डेली चार्ट खोला हुआ है, क्लोजिंग कहाँ हुआ है 92.5 में, क्लोजिंग ही नहीं हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली। अगर एक दिन, हाँ इस दिन तो क्लोजिंग हुआ था, इसे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, हाँ वॉल्यूम तो था स्टॉक में उस दिन लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, उसके बाद वाला दिन भी इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं हुआ है। प्रॉपरली क्लोजिंग मतलब इस कैंडल का 90% छोड़ दो, 70% एटलीस्ट बॉडी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रहेगा। उसके बाद वाला दिन भी आप लोग वेट कर सकते हो कन्फर्मेशन के लिए, क्या पता 70% कैंडल ऊपर फॉर्म हो गया लेकिन उसके बाद वाला दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल करके नीचे गिर गया। प्रॉपरली क्लोजिंग के लिए वेट करो, एक ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिलेगा तो ही उसके बाद स्टॉक में एंटर करना चाहिए। अभी तक एंट्री पॉइंट नहीं आया स्टॉक में, वेट कर जाओ। ये स्टॉक मैंने क्यों बोल रहा था कि ये स्टॉक बेस्ट रहेगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए, अगर चार्ट दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एक सेकेंड, ये आप लोग देख सकते हो चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। एक टाइट रेंज में ट्रेड करती है कंपनी, उसके बाद ब्रेकआउट, एक टाइट रेंज में ट्रेड करती है उसके बाद ब्रेकआउट, टाइट रेंज में कैसा भी कोई सा भी पैटर्न बनाती है कंपनी, उसके बाद ब्रेकआउट, टाइट रेंज फिर से ब्रेकआउट, टाइट रेंज फिर से ब्रेकआउट, टाइट रेंज फिर से ब्रेकआउट। अब फिर से एक बार ब्रेकआउट होने वाला है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सात बार, छः बार तो ऑलरेडी हो गया, सात बार होने को आया है इसमें। लेकिन गलती नहीं करना है कि ब्रेकआउट होने के बाद ही एंटर करना है कंपनी में, गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कंपनी में। ये स्टॉक मार्केट है, क्या पता 6 बार तो हुआ है, हाँ 7वां बार नीचे गिर जाए, गलती नहीं करनी है, ब्रेकआउट होने पर ही एंटर करना है। और इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आप लोग बोल सकते हो नीचे स्विंग ट्रेड लिया ऊपर सेल कर दिया, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसका पैटर्न। अगर एटलीस्ट इसे एक महीने, एटलीस्ट 15 ट्रेडिंग डेज इसे ट्रेड करने दो, उसके बाद पैटर्न का कन्फर्मेशन होगा कि कहाँ पे इसका ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला ट्रेंड लाइन इसे इसमें ड्रॉ होगा। नीचे और ऊपर में स्विंग ट्रेड लेने की गलती मत करना, हाँ उसके बाद लेना ब्रेकआउट के बाद, तो अच्छा खासा एक गेन देकर आप लोगों को जा सकती है। अगर गेन के बारे में बात करें तो हर एक स्टॉक में, अगर यहाँ पे कन्फर्मेशन आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 38.65, उसके बाद 46, 12 रुपये का गेन,
यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 38 से डायरेक्ट 56, 18 रुपये का गेन। यहाँ के बारे में बात करें तो कंफर्मेशन के बाद किस लेवल में ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, ऑलमोस्ट 54 से डायरेक्ट 72। यहाँ पर भी 18 रुपये का जंप, ऐसे मतलब 15 to 16 rupees का जंप आप लोगों को देखने को आराम से मिल सकता है ऑन एन एवरेज। तो अगर 92 से बात करें तो आराम से 92 rupees से, अगर ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो आराम से आप लोगों को 105 या मैंने पहले 101 का टारगेट बोला था वो सेफेस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये 10 रुपये तो एटलीस्ट ट्रैवल करती है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 10 रुपये का ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग पॉइंट था, ये आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 26 से 36 तक एटलीस्ट 10 रुपये तो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर चाहो तो 105 rupees तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन सेफ खेलना ही अच्छा है, 101 या 102 रुपये तक तो ज़रूर जाएगा ये कंपनी। उसके बाद 105 या 107 सेकेंड टारगेट निकल गया है, वो टोटली आपके ऊपर है। 101 या 102 रुपये का लेवल तो ये ज़रूर दिखाएगी अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो, अगर आप लोगों को भरोसा है तो 105 या 107 दिखा सकती है लेवल्स, 105 या 107 का लेवल्स अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ये कंपनी दिखा सकती है। लेकिन 101 या 102 के लेवल दिखाएगी ही दिखाएगी, 100% चांस है अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो। चलिए गाइस डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने बोल ही दिया कि 65% लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं, तो देख लेते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्वांटिटी क्या निकल के आती है कंपनी का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कंपनी निफ्टी आईटी में लिस्टेड है, आज फिलहाल ये अपना जो लो के आसपास ही क्लोज हुआ है कंपेयर टू द डेली हाई। ट्रेडेड वॉल्यूम निकल के आता है 188,888 क्वांटिटी, ट्रेडेड वैल्यू ऑलमोस्ट 168 lakh के अराउंड निकल के आती है। सिक्योरिटी वर्स डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1,23,600 या 700 आप लोग पढ़ के चल सकते हो, 1,23,000 प्लस माल आज लोग CNC में घर लेके गए हैं। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है 87.65 rupees पे 3,051 क्वांटिटी। चलिए एक बार फिगर चेक कर लेते हैं मार्केट कैप क्या निकल के आती है कंपनी के। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में देख सकते हो इज्मो लिमिटेड इज इनटू द बिजनेस ऑफ इंटरेक्टिव मार्केटिंग सॉल्यूशन, दी कोऑफर्स हाईटेक ऑटोमोटिव ई रिटेलिंग सॉल्यूशंस इन नॉर्थ अमेरिका यूरोप। इंटरनेशनल कंपनी है इज्मो, आप लोग पढ़ सकते हो। इट वुड बी 100% वोली बोन्ड सब्सिडरी ऑफ इज्मो LTD शॉर्टली। डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है कंपनी, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन में आके पढ़ सकते हो या तो फिर पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मार्केट कैप 120 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। ROC परसेंटेज 11.9%, ROE 12%, बुक वैल्यू 179, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में कंपनी ट्रेड कर रही है। फिलहाल ये कंपनी ट्रेडिंग अराउंड 52 week हाई कंपेयर टू द 52 week लो, एक साल में ऑलमोस्ट 400% की रिटर्न देकर जा रही है, टू बी एग्जैक्ट 397%। एटलीस्ट इसमें से 350 छोड़ दो, 300% तो गेन आप लोग बना सकते ही हो, कोई भी बना सकता है। 400% कंपनी गेन दे रही है, 300% तो आप आराम से बना सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.51 times इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.1% CAGR ओवर लास्ट 5 years, डेट पर डे इम्प्रूव्ड हुआ है, कंपनी इज रिपोर्टिंग डिविडेंड प्रॉफिट्स। ये तो मैंने बहुत बार बोला है, प्रोमोटर होल्डिंग लो, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, अर्निंग्स इंक्लूड, ये एक इशू हो सकता है कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं उसके पहले, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है जो कि डबल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, अगर देखते हैं तो डबल निकल के आ रहा है। लेकिन जो इसका अदर इनकम है वो पिछले साल से इस साल बहुत ही कम हुआ है, इसीलिए जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है कंपनी का वो उसमें कम आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन इस कंपनी का जो सिर्फ इज्मो है इसका जो मेन सेल्स है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला है। सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 7 crore से जंप हुआ है, जो कि कंसोलिडेट कर रहा था 16 to 20 rupees के बीच में 3 साल से। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट में 16 crore का जंप देखने को मिला है आपको, 16 crore। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 222 crore का रिजर्व है, कंपनी ने अपने जो डेप्ट है वो इंक्रीज किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं होगा, कंपनी का लोन
चुकाने में, ये कभी भी डेट फ्री कंपनी बन सकती है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इज लो, जो प्रोमोटर्स है वो पहले तो गेन किया था, लेकिन ओवरऑल देखते हैं सितंबर 18 से तो ये अपने जो स्टेक है वो सेल करते आ रहे हैं। एक अच्छी बात है कंपनी में, FIIs एंड DIIs ने फ्रेश एंट्री करी है मार्केट में, 0.45% स्टेक FIIs का, DIIs का 0.01%, एक अच्छा खासा परसेंटेज निकल के आ रही है कंपनी में। पब्लिक शेयर के बारे में बात करें तो पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग कम किए हैं, लेकिन FIIs DIIs ने इसमें इन्वेस्ट किया है, मतलब कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। पब्लिक के बारे में बात करें तो किस किस का होल्डिंग है पब्लिक में, बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट निकल कर आ रहा है, ऑलमोस्ट सब लोग पकड़ के चल सकते हैं, अराउंड 55% के अराउंड पब्लिक का पैसा, रिटेलर्स का पैसा 55-60% अराउंड रिटेलर्स का पैसा लगा हुआ है। अगर आप लोग काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर सकते हो, ये मैंने स्लो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पॉज करके भी काउंट कर सकते हो आप लोग। तो FIIs और DIIs होल्डिंग इंक्रीज हुआ है कंपनी में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, ये तो 8 out of 10 रहेगा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो 9 out of 10, इससे अच्छा कंपनी कुछ हो ही नहीं सकती। एक पैटर्न बनाती है कैसा भी कोई सा भी, उसके बाद ब्रेकआउट एटलीस्ट 10 rupees का जम दिखाती है, एटलीस्ट 10 rupees का, एवरेज के बारे में बात करें तो एटलीस्ट 15 rupees का जम दिखाती है हर बार। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, और गाइस स्टे होम स्टे सेफ गाइस। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा, कुछ भी जानना है तो DM में मत बोलना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है DM एडिट करना, सब DM को रिप्लाई करना पर्सनली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, संडे और सैटरडे को हो जाता है, लेकिन हर रोज़ मार्केट खुला रहता है, उसके बाद वीडियो बनाना, स्टॉक सिलेक्ट करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग।